जय श्री कृष्ण। हेलो गुजरात में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर, मेरा खुद का एसआई बिजनेस क्लब एसोसिएशन। तो आज हम मेष से मीन राशि का ये वीक का भविष्य देखने जा रहे हैं टेरोट कार्ड पर से। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है, मेष राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मेष राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, इंजॉय करो और अपनी लाइफ को आपके बच्चों के साथ। और कहीं पे गुड न्यूज़ भी आने वाली है कि कहीं पे बच्चों आने वाले हैं। और आपके जो ओल्ड नेबर्स है, जहाँ पे आपका काम रुका हुआ है, वहाँ पे कोई ओल्ड लेडी आपको हेल्प कर रही है और आपको हेल्प मिल जाएगी और आपके जो भी रुकावट कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आपको घर में कोई भी प्रॉब्लम है, रुकावट आ रही है आपके काम के अंदर, तो आपको एक ही काम करना है, आपकी जो कुल देवी है उनकी कुछ मन्नत ले लीजिए तो आपका काम पूर्ण हो जाएगा। लकी नंबर है आपका 8 नंबर 6 नंबर और 10 नंबर और लकी कलर है आपका ग्रीन और रेड कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो ये वीक के लिए वृषभ राशि क्या कहती है, वृषभ राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कुछ नया आप घर लेने के बारे में सोच रहे हो कि या तो नया कुछ गार्डन लेने के बारे में सोच रहे हो कि घर ऐसा हो कि वहां से गार्डन भी दिखे, माउंटेन सीनरी दिखे और बहुत ही अच्छा लगे। आपको युवक युवतियों के शादी के योग भी आ रहे हैं। एक घर होगा और दूसरा घर आप ईस्ट दिशा का ले रहे हो, वो भी बहुत ही अच्छा होगा। और 6 महीने के अंदर बहुत कुछ बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है और बहुत ही अच्छा है ये भी आपके लिए। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर, लकी कलर रहेगा येल्लो रेड और लाइट क्रीम कलर। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो ये वीक के लिए मिथुन राशि क्या कहती है, मिथुन राशि के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम रहेगा। आपको लगता है कि मेरा इतने महीनों से काम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आपका काम संपूर्ण होगा। थोड़ा वेट एंड वॉच, आपकी पास्ट लाइफ वो अभी स्ट्रगल लाइफ है वो अभी ख़त्म होने को आ रहा है। बहुत ही अच्छे दिन अभी आपके आ रहे हैं और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी आप ले लीजिए। आपको ऐसा लगेगा मैं नहीं हूँ, इतना ही वो है, लेकिन कुछ भी मत सोचो, ये अपॉर्चुनिटी आपको आगे जाके बेनिफिट देने वाली है। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका रेड पार डार्क ब्राउनिश कलर और येलो कलर। अभी आ रही है कर्क राशि। तो ये वीक के लिए कर्क राशि क्या कहती है, कर्क राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो कि मैं एडवाइस दूँ क्या करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, आप उल्टे लटके हो, तो आपको क्या करना है, दो जन की एडवाइस लेके फिर आगे बढ़िए तो आपको उससे फायदा होगा। और आपके फॉरेन जाने के चांसेस हो रहे हैं, अभी फॉरेन जा रहे हो आप, एक के सपोर्ट से जाएंगे, दूसरे दो सपोर्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपके पास जो ज्ञान और एनर्जी है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह कीजिए। जिसको आपकी एनर्जी और ज्ञान की ज़रूरत है उसको ही आप ज्ञान बांटें तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो आपका ज्ञान क्या है, वेस्ट जाएगा। आपको बहुत ही 6 महीने के अंदर गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर फॉरेन जाने के लिए और 15 नंबर रहेगा और लकी कलर रहेगा आपका ग्रीन येलो और रेड कलर। अभी आ रही है सिंह राशि। तो ये वीक के लिए सिंह राशि क्या कहती है, सिंह राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। युवक युवतियों की शादी के योग बन रहे हैं, शादी भी हो रही है, लड़का खानदान आप पूछेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आपको जैसा चाहिए वैसे ही मिल रहा है। आपके पोता, आपके यहाँ गुड न्यूज़ भी आने वाले, पोते 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 जैसे 4 पीढ़ी आप देखने वाले हैं। आपके मकान मालिक सब फैक्ट्रियाँ भी होगी और आप सेविंग के बारे में सोच रहे हो कि मेरे आगे जाके सेविंग कैसी रहेगी, मैं जब बूढ़ा हूँ ओल्ड एज पे आऊँ तब मेरा कैसा रहेगा। तो तभी भी आपका ओल्ड एज में भी अच्छा रहेगा और आप सेविंग भी कर पाएंगे और आप खा पी के अच्छा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर 9 नंबर और लकी कलर है आपका येल्लो रेड और ब्लैक कलर। अभी आ रही है कन्या राशि। तो ये वीक के लिए कन्या राशि क्या कहती है, कन्या राशि ये वीक के लिए बहुत ही अच्छा है। कहीं पे आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट कर लीजिए और आपको कहीं से लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो रही है और आपको जो चाहिए वो सक्सेसफुल भी मिल रही है लाइफ के अंदर। और युवक युवतियों के शादी के लिए अच्छा योग आ रहे हैं, शायद युवती से युवक थोड़ा बड़ा हो एज में लेकिन चालाक और होशियार होगा। और अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप आगे जाके आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। लकी नंबर है आपका 6 नंबर 7 नंबर और 10 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज येलो और ग्रीन कलर।
अभी आ रही है तुला राशि, तो ये वीक के लिए तुला राशि क्या कहती है। तुला राशियों के लिए ये वीक आपको बैलेंस करना है, अपने आप को दोनों तरफ है तो उसको बैलेंस करो और आगे बढ़ो और अपने आप को जस्टिफाई करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ और जो भी करूँगा वो आगे जाके भी अच्छा करूँगा। सबको अच्छी सलाह और एडवाइस देनी है आपको और आप अपने मार्गदर्शक में खड़े उतरना है। आपको राजा की तरह राज करने वाले हो, आगे जाकर बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। आपको लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर और लकी नंबर कलर रहेगा आपका ब्राउनिश रेड कलर, क्रीम कलर एंड येलो कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो ये वीक के लिए वृश्चिक राशि क्या कहती है। वृश्चिक राशि के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम रहेगा। आप कहीं पे पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो तो पार्टनरशिप में एक औरत होनी जरूरी है ताकि क्या होता है कि बैलेंस बना रहे आपके पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपकी जीत होने वाली हो और आपके नाम के पता के लहराने वाले हैं। आप में काबिलियत बहुत है, होशियारी भी बहुत ही है और आपको लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई देख रहा है कि नहीं। आप पीछे मुड़ के मत देखे और अपने आपको काम को कंटिन्यू कीजिए और पीछे मुड़ के मत देखे, अभी आपकी सक्सेसफुल हो रही है। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर। लकी कलर है येल्लो और रेड कलर। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। धनु राशि के लिए वीक थोड़ा चंद्र वीक दिखा रहा है और आप अपने आप के बाहर लेके घूम रहे हो कि मेरा ये होगा ये नहीं होगा वो होगा, सारा काम आप खुद करना चाहते हो, आप खुद मत करो, थोड़ा किसी और के ऊपर भी डाल दो तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबको थोड़ा थोड़ा काम सौंप दीजिए तो आपको ज़्यादा वो टेंशन नहीं आएगी। और आप जब सोने जाते तभी नेगेटिव थॉट्स आते, तो नेगेटिव थॉट्स आप मन से निकाल दीजिए और पॉजिटिव हो जाए। उसके लिए क्या करना है, तो आपके सिरहाने के नीचे जब सोने जाते हो रात को तभी एक गिलास पानी भर के रखना है और उसमें एक नमक मुट्ठी भर के रखना है ताकि रात के आपकी बॉडी में जो भी नेगेटिविटी होती वो सारी नेगेटिविटी उसमें आ जाएगी, और सुबह में उसको कबूतर में पानी डाल दीजिए तो वो बहुत ही काफ़ी अच्छा रहेगा। और चंद्र थोड़ा वीक दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर चंद्र समान माँ है या तो आपकी जो कुल देवी रहती है उनको पैर छूके, जो भी कार्य करने जाए तो वो करके निकले पैर छूके, और आपको ऐसा लगता है तो आप चंद्रमा को कच्चा दूध और पानी चढ़ा सकते हो, चावल डाल के अबीर गुलाल डाल के, और जैसे सूर्य को अर्घ हम देते हैं वैसे चंद्रमा को भी अर्घ रात को जैसे उगते हैं तभी दे सकते हो, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर, 10 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका क्रीम कलर एंड येलो एंड ब्लैक कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो ये वीक के लिए मकर राशि क्या कहती है। मकर राशि ये वीक के लिए बहुत ही अच्छा है, थोड़ा संभल के चलना है। आपको लगता है कि सामने सोना पड़ा है, जब पास में जाके देखते हो तो पीतल निकलता है, इसलिए जो भी कार्य करें सोच समझ कर आगे बढ़िए। आप पूरी दुनिया घूमने वाले हो और आप आज के कहते हैं तो शाहरुख खान अमिताभ भी बोल सकते हो, इतनी काबिलियत है आप में, जहाँ भी जाते हो वो काम करके दिखा देते हो और आप सोच रहे हो कि मैं एंड तक काम करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। लकी कलर है आपका ग्रीन कलर, वाइट कलर और ऑरेंज कलर। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। कुंभ राशि के लिए ये वीक थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी लक्ष्मी ने आपको बंधन योग किया हुआ है। कुछ भी काम करने जाते हो तो आपकी लक्ष्मी बंधी हुई दिख रही है तो आपको उसको छोड़ देना है। तो कैसे करना है, एक कपूर लेना, एक लौंग लेना, एंटी क्लॉक वाइज 7 टाइम गायत्री मंत्र बोल के जो भी धर्म का हो वो धर्म का मंत्र जाप करके फिर उसको एक मिट्टी का दिया लेके उसमें जला देना है, कपूर का मिट्टी का दिया लेके वेस्ट दिशा में या तो साउथ दिशा में, तो क्या होगा उससे आपकी जो लक्ष्मी बंधी हुई है वो छूट जाएगी और आपको बहुत ही अच्छे कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी हो रहे हैं और आप प्रामाणिकता भी हो, जो भी कार्य करेंगे सोच समझ के आगे बढ़िए और उसमें आपको मुनाफा भी होगा। लकी नंबर है आपका येल्लो, रेड और ग्रीन कलर। अभी आ रही है मीन राशि, तो ये वीक के लिए मीन राशि क्या कहती है। मीन राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, थोड़ा आपको किसी की गाइडलाइन लेने के लिए जाते हो, किसी की एडवाइस लेने के जाते हो तो आपको उल्टे रास्ते पे भेज देता है। आप खुद इतने काबिलियत हो कि आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है,
आप खुद सबको एडवाइस देते थे, सब लोग कहाँ कहाँ अपना बिजनेस पहुंचा दिया, लेकिन अभी वो आपका अच्छा नहीं सोच रहे, आपको किसी की एडवाइस लेनी नहीं है, आपको खुद अपना रास्ता चुनना है, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और आपको कोई अननोन स्त्री आके हेल्प करके चली जाएगी, छोटी जर्नी की मुसाफर दिखा रही है, कुछ गुड न्यूज़ आने वाले हैं चिल्ड्रंस या तो आपके घर के अंदर, और आपके दिन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अभी स्ट्रगल लाइफ आपकी ख़त्म होने जा रही है, और जैसे सूरज उगता है, जैसे अंधेरा खत्म हो जाता है और सूरज उगता है, रोशनी फैलती है, वैसे ही आपके जीवन में भी रोशनी फैलने वाली है, आप टेंशन ना लें। और लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, 15 नंबर, और लकी कलर है आपका रेड, येलो, ग्रीन, क्रीम कलर। तो ये वीक के लिए हेलो गुजरात की ओर से आपको बहुत बहुत ही शुभकामना, और ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच।